हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन जो है सामने है, बीएड के एग्जामिनेशन में कौन कौन से टिप्स आप लोग को अपनाने चाहिए और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, आज मैं वो बताने वाली हूँ। सिद्धार्था यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन है और सिद्धार्था यूनिवर्सिटी के साथ साथ और भी CRACU एंड और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के, फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी, इन सब के एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट हो रहे हैं बस 1 से 2 दिन में। इसमें आप लोगों को जो है किस किस तरह के जो चीज़ों को जो है इग्नोर करना चाहिए एंड किसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए एंड किसको फॉलो करना चाहिए, वो आज जो है टिप्स में इसमें वीडियो में आपको देने वाले। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ ही मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में वीडियो बता दीजिए। तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। फ्रेंड्स, CTET का क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो आज 6 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है CTET का। तो जो नंबर आपको दिया गया है उस पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम कौन कौन से टिप्स आपको लेने हैं। भाई, सबसे पहला जो चीज़ आपको फॉलो करना है वो आप लोगों का होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। ये तो आप घर से करके जाओगे, इसमें ये नहीं कि आप वहाँ जा करके आप अपना टाइम जो है मैनेज करो कि भाई हाँ कैसे मेरा एग्जामिनेशन में मैं कैसे लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ, ये करो, ये बिल्कुल नहीं करना। ये आपको पहले से सोच के जाना है कि मुझे लॉन्ग वाले क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, मुझे शॉर्ट वाले पे कितना देना है, ये आपको पहले से करके जाना टाइम मैनेजमेंट का काम। टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है वो मैं बता दूं। जैसे कि आपका लॉन्ग आ रहा है, अगर लॉन्ग आ रहा है तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस है तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं तो आपको 5 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, राइट? ये तो आप जानते ही होंगे, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चंस। आप टाइम डिवाइड करो, अगर 3 आवर्स है तो आपको कितने कितने टाइम देना है, तो अगर आप 20 मिनट्स या 25 मिनट्स एक क्वेश्चन को दे रहे हो तो आप इस तरह से लेकर के अपना चल सकते हो कि भाई कि इस तरह से मुझे 25 मिनट्स करके देना है। लेकिन आपको मिनट्स पूरा देखना है कि आपका हो रहा है कि नहीं। अगर आपके पास जो है 3 आवर्स है तो इसका मतलब कितना है, 180 मिनट्स है, तो 180 मिनट्स में आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। अब अगर आपने उस तरह से अगर मैनेज नहीं किया, उस तरह से अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जो है 180 मिनट्स को डिवाइड करके खुद से जाना, आपका स्पीड है, आप जानते हो कि आप किस तरह से करते हो। तो लॉन्ग क्वेश्चन किस लिए, अगर यहाँ पे आपका लॉन्ग, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट दोनों तीनों हैं तो उसके बाद बारे में भी आपको पहले से सोच कर जाना है कि आपको किस तरह से किस में कितना देना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन को पहले टच कीजिए एंड लॉन्ग क्वेश्चन को पहले कीजिए एंड उसमें टाइम ज़्यादा दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट एंड फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आप जो है वेरी शॉर्ट करके आइए। तो ये हुआ टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड को आप लोगों को टिप्स। दूसरा जो टिप्स है वो मुझे बच्चे जो पूछ रहे हैं वो है कि मैम जब हम फिलोसोफर के स्टेटमेंट को लिखेंगे तो उसमें किस तरह से लिखेंगे, वो थोड़ा एक बार डिटेल कर दीजिए। देखो, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो बीएड में, स्पेशली अगर मैं बोलूं तो आप लोगों का फिलोसोफर का जो ये डेफिनेशन हम लिखते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फिलोसोफर का। और अगर आप जो है वो लिख रहे हो लॉन्ग क्वेश्चन तो उसमें कम से कम 3 फिलोसोफर को लिखना है, याद रखना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो कम से कम जो है 3 फिलोसोफर के आपको स्टेटमेंट को लिखना है लॉन्ग में। तो ये आपको करना है। अब लिखने के लिए कैसे करना, जैसे मान लो कि आप लिख रहे हो स्किनर के बारे में, ठीक है, तो ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू स्किनर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, एकदम देखो पैटर्न से चलोगे ना तो मार्क्स आपको लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू स्किनर हो गया। यहाँ पे आप हाइफन दे दो, ठीक है, लाइन दे दो और उनका स्टेटमेंट जो है इसके नीचे से स्टार्ट करो, कभी भी वहाँ से मत स्टार्ट करना। और उसके बाद इसको इन्वर्टेड कॉमा में डालो, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी स्किनर ने कहा है वो, एंड देन इधर में आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कर देना है। तो ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे छोड़ नहीं देना है, अब ऐसा नहीं कि हाँ ये हो गया तो छोड़ देते हैं, नहीं, इसको आप जैसे ये ब्लैक पेन से अगर आपने इसको लिखा है तो इसको आप ब्लू पेन से, आपको ग्रीन नहीं यूज़ करना है, मैं ग्रीन कर रही हूँ लेकिन आपको ग्रीन नहीं करना है, ब्लू पेन से इसको हाईलाइट कर देना है कि ये स्किनर का, ये पहला आपने लिखा स्किनर का अकॉर्डिंग टू स्किनर। इसी तरह से प्याजे का या फिर जिसका भी आप लिख रहे हो तो कम से कम 3, और जब भी फिलोसोफर का लिखो तो अच्छा अच्छा गैप दो, जैसे कि अकॉर्डिंग टू स्किनर है तो एक लाइन पूरा स्किप कर दो और दूसरे लाइन से, मतलब एकदम अच्छे से क्लियरली पता चले कि आपने 3 फिलोसोफर का
का नाम लिखा है, तीन फिलोसोफर का जो है डेफिनेशन लिखा है लॉन्ग में। अगर शॉर्ट है तो दो भी चल जाएगा, वेरी शॉर्ट में नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप ही लोगों का था कि फिलोसोफर के स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखना है और जैसे बता रही हूँ मैं उसी तरह से लिखना है, उसमें कोई कोताही मत बरतना कि ठीक है चलो ऐसे लिख दिया हो गया, मार्क्स कट जाएगा, मार्क्स कटता है, डिडक्ट होता है उसमें। तीसरा जो चीज़ आपको फॉलो करना है वो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। मैं तो सजेस्ट हमेशा करूँगी कि लॉन्ग क्वेश्चन को पहले करना है, ठीक है। अब आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये सिलेक्ट करना है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। तो ये आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपको बहुत अच्छे से आता है और ट्राई करना कि वैसे ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करना जिसका आंसर जो है पॉइंट में लिख सको। देखो फर्स्ट इंप्रेशन डेफिनेटली जो है एग्जामिनर पे एक अच्छा खासा इमेज छोड़ के जाता है, ये मान के चलो इंप्रेशन आता है, तो वो आपको जो है करना, जो सबसे अच्छे से आपको क्वेश्चन आता होगा उसको पहले लिखना, लॉन्ग में से ही चूज़ करना एंड ट्राई करना कि पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को चूज़ करो, क्योंकि उससे और उसमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना, कुछ चार्ट बनाना, ट्राई करना थोड़ा सा इनोवेटिव होने के लिए। तो ये चीजें करना है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपको करना है, सिलेक्शन क्वेश्चन में आपको जो है चूज करना है लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे से आपका आपको आता हो, वो क्वेश्चन आपको चूज करना है। तो बस ये तीन टिप्स को फॉलो करो, उसके बाद से जो है आप लोगों को कोई मिस्टेक आप नहीं कर पाओगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तीनों चीजों को फॉलो करेंगे आप अप्रोप्रिएट वे में, प्रॉपर वे में आंसर लिखोगे और उसमें मार्क्स आएगा। लेकिन इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं। टाइम मैनेजमेंट तो घर से करके जाना है, वहाँ पे उसको बस इंप्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, एंड देन फिलोसोफर के स्टेटमेंट को लिखते टाइम में केयरफुल रहना है। एंड चौथा एक और लिख लो, कंक्लूजन जरूर लिखना, निष्कर्ष जो है वो जरूर लिखना लास्ट में, कि कंक्लूजन लिख करके ऐसे कर देना एंड देन यहाँ पे लिखना आपकी उपरोक्त कथनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं, या जो जैसे भी कि इन परिभाषाओं के आधार पर मेरे अनुसार ये निकलता है, अपना व्यू पॉइंट जरूर देना। तो ये चार चीज़ों को आप एग्जामिनेशन में जरूर फॉलो करना, बिल्कुल इन चारों में से कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है, इसको आपको फॉलो करना है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है जिसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, चल रहा है, हैव अ नाइस डे।